नमस्कार। पीसीआई क्राइम के इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको वो घटना दिखाने जा रहे हैं जिस पर पुलिस ने कड़ी मेहनत करके आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। एक वृद्ध महिला अपने घर में अकेली रहती थी। उनका बेटा रोज सवेरे उनसे मिलने आया करता था। मम्मी, अरे बाप रे, मेरी मम्मी आ गई। मम्मी आ गए बेटे, मैं आप ही को याद कर रही थी। बस ठीक है, मुस्कुरा दो। एकदम ठीक है। सफर कैसा रहा हरिद्वार का? बहुत अच्छा है। मौसम उधर अच्छा है? बहुत अच्छा था, बारिश बहुत थी। अच्छा। अरे राजू, तुम कब आए? अभी आया सर। कैसा है तू? ठीक हूँ सर। अच्छा अच्छा, मम्मी मैं जरा आता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा राजू, ठीक है। एक दिन अचानक जब माँ ने दरवाजा नहीं खोला तो बेटे ने पीछे के दरवाजे से जाकर यह देखने की कोशिश की कि क्यों माँ ने दरवाजा नहीं खोला। जब अंदर पहुंचा तो वह देखकर दंग रह गया। माँ पलंग पर सोई हुई थी और उसके ऊपर तकिया रखा हुआ था। उसे तुरंत समझने में देरी नहीं लगी कि किसी ने माँ को मौत के घाट उतार दिया है और घर में लूटपाट की है। मम्मी, क्यों नहीं दरवाजा खोल रही है? मम्मी दरवाजा नहीं खोल रही है, क्या है? अरे यार, मम्मी को क्या हो गया है? फोन करता हूँ। यार ये मम्मी फोन भी नहीं उठा रही है, फोन उठा ही नहीं रही है। क्या इतना रिंग बज रहा है? फोन नोट लीजिए, बुला रहा है यार। पप्पू, एक काम करो, पीछे लोहे का दरवाजा है तो ताला खोल के ये दरवाजा तो खोलो। देखो यार, कुछ गड़बड़ नहीं हो, भगवान करे। क्या हुआ? कौन रखा ये? क्या हो गया? तुरंत उसने सेंटर पुलिस चौकी में कॉन्टेक्ट किया। पुलिस चौकी, आज अब मैं अशोक बोल रहा हूँ। मम्मी मेरी, आइए साहब, जल्दी आइए। चलो आप लोग साइड में हो जाओ। चलो ठीक है, देखो, चेक करो जरा। अच्छा चेक करो, क्या क्या गया इधर से, कैसे हुआ है सब? यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है सब अच्छी तरह छानबीन करो, किसने किया, कैसे किया, सब चेक करो अच्छी तरह।
जब पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे तो लग गए अपने काम पर और ढूंढने लगे उस कातिल को जिसने इस कत्ल को अंजाम दिया था। बाकी उनके सर पे और बाकी ऐसा कुछ ऐसा मार्क नहीं कुछ भी नहीं, नहीं, नहीं निशान वगैरह कुछ भी नहीं, पूरा चेक किया कुछ हथियार वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं, खाली तकिए से इनका डाला गया। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और अच्छी तरह और भी चेक करो, चोरी का मामला भी हो सकता है। क्या मिला है सर? जिस टाइम का जो मर्डर के किया ना उस टाइम तो खतरा ही है। जो भी मिला है तो फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दो। ओके सर। रिपोर्ट आएगा उसके बाद मालूम पड़ जाएगा। जो इनके फैमिली मेंबर है हाँ। इनका लड़का, उनसे उस मोबाइल का नंबर लो और मोबाइल को ट्रैकिंग पर डालो। सर सावन जी, सर क्या हुआ ये? सर लूट का मामला लग रहा है। लूट का मामला लग रहा है तो मर्डर क्यों किया? दूसरी दौरान उसने मर्डर कर दिया होगा। इसकी पूरी जानकारी मुझे चाहिए, पूरी तहकीकात कर। जी सर। मुझे रिपोर्ट चाहिए। जी सर। ये पूरी छानबीन करो, इनकी पूरी तहकीकात चाहिए। और उनके लड़के से मामला किया तो उनके लड़के बोलते कि इनके हाथ में सोने की बंगड़ी थी, वो बंगड़ी भी नहीं है, दो चूड़ी ज्यादा कुछ बोला क्या? सर हमने घर का कोना कोना चेक किया, ऐसी कोई भी सुराग हमें मिली नहीं जिसे हम सब की निगाह से देख सके। अच्छी तरह से चेक करो। अशोक जी। जी सर। आपको कैसे पता चला कि ऐसा हुआ है? सर मैं हमेशा की तरह जैसे लोग मंदिर में मथा टेक के जाते हैं वैसे मैं माँ का मथा टेक के बाद में ड्यूटी पे जाता था। तो कई बार मैंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन नहीं खोल रही थी मम्मी दरवाज़ा। मेरे साथ में नौकर भी था पप्पू करके, उसको मैंने अपनी चाबी दी और मैंने बोला पीछे लोहे का दरवाज़ा है, आप उधर से जाके देखो मम्मी क्यों नहीं खोल रही है, नहीं तो आप कुंडी खोल दो। तो जैसे ही उसने साहब कुंडी खोली, वो दृश्य देख के मम्मी के चेहरे के ऊपर इतना बड़ा मोटा सा तकिया और मुँह से कुछ से सफ़ेद सफ़ेद कुछ निकल रहा था दूध के जैसे, मैं तो घबरा गया साहब, मुझे कुछ मालूम नहीं है। ये हत्या के पीछे किसी का हाथ ऐसा हो या आपको किसी के ऊपर शक है, आपके रिलेशन में कोई या अड़ोस पड़ोस में कोई रंजित के कारण ऐसा कुछ हुआ है? सर फिलहाल तो मैं ये सब सोचने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि माँ का इतना सदमा बैठा है। वैसे घर में से क्या क्या चोरी हुआ? सर मम्मी को दो चूड़ियाँ पहनी हुई थी और अभी कुछ दिन पहले मैंने उनको मम्मी को एक नया मोबाइल लेके दिया था। तो उसका बिल बॉक्स तो आपके पास होगा? जी सर। दीजिए सर, ये जो है ना मोबाइल है, उनका मोबाइल खराब हो गया था। पटेल इसका ईएमआई नंबर लो और जो उस मोबाइल में जो सिम था उसका नंबर इनको बताइए। जी सर। आपके नंबर से हम उस नंबर को ट्रैकिंग पे डालेंगे, ट्रैकिंग से हमें ये पता चल जाएगा उस फोन की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो नंबर ले लो। बताइए सर। 93 2 4। अशोक जी, तुम्हारे फैमिली मेंबर कितने? सर मेरी एक छोटी सिस्टर रहती है। हाँ।
मम्मी को उसकी भी काफ़ी चिंता रहती थी कि बड़ी हो गई। तो मम्मी के साथ में कोई नहीं रहता था? सर मैं शादी के बाद में अलग हो गया। उनको संभालने वाला मतलब कोई भी नहीं था वहाँ? फिर मम्मी के साथ में कौन रहता है? मेरी छोटी सिस्टर रहती है। हर एक व्यक्ति पर शक करने लगी पुलिस। दुकान के कई लोगों को उठाया गया जो उनके पास काम करते थे। वो मां रहती बाजू में, इधर पे कौन गया था खाना देने के लिए? किधर काम करता है? सागर लड़का काम करता है वो। क्या नाम है उसका? सागर। सागर बुलाओ सागर को। सागर इधर आओ। सागर आया। चला गया आदमी का। चला गया। एक मेरे छुट्टी है। अरे सर मेरे खुद नहीं क्या सर, साहब मैं बोलो सर। अरे आप देखते साहब को धक्का दे रहे साहब। नाम क्या है? सागर साहब। हाँ सागर। सागर जो पूछूंगा सच सच बताना। हाँ साहब बोलो ना। पिछली रात को किधर पे था? साहब मैं साहब के माँ के घर पे खाना छोड़ने गया था। अरे साहब बात तो क्यों साहब? झूठ मत बोल। क्यों सच बोल। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। अरे साहब संदीप कौन है वो? कौन संदीप साहब? मैं नहीं पहचानता कोई संदीप को साहब। कौन संदीप? हाँ तेरे घर के बाजू में कौन रहता हूँ? साहब मैं कोई संदीप को नहीं जानता हूँ साहब। क्यों मेरे पास आरोप लगा रहे हो साहब? मैं गरीब आदमी हूँ साहब। साहब मैं अभी भी बोल रहा हूँ सच सच बोल। साहब मैं जब सच बोल रहा हूँ। वो बुजुर्ग की हत्या किसने की? कौन सी? शेख की माँ की। अरे साहब वो तो मेरी माँ के सामने मेरे को खाना दीजिए साहब। मैं उनके बेटे के दुकान पे काम करता साहब, मैं क्यों मारूंगा उनको? देख सागर, अगर सच सच नहीं बताया ना आई शपथ ऐसी रिमांड लूंगा ना, तेरी ऐसी रिमांड लूंगा ना, जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोलेगा। नहीं साहब ये आरोप मत लगाओ मेरे ऊपर। पुलिस ने कई जतन किए लेकिन कातिल हाथ नहीं आ रहा था। पुलिस ने उस महिला का सिम जो चोरी हो गया था और मोबाइल जो चोरी किया गया था उसको ट्रैकिंग पे डाल दिया। अचानक एक दिन उस महिला का वो सिम चालू हो गया और ट्रैकिंग पर आ गया। अरे सिम तो चालू है, इसका बैलेंस चेक करो। और इसमें बैलेंस भी है, क्यों ना दीपक को फोन लगाया जाए। हाँ दीपक, मैं रमेश बोल रहा हूँ, कैसे हो? अच्छा अच्छा, खाना हो गया? भाभी कैसी हैं? अच्छा। और अपना छोटा बाबू? हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, बाकी सब बढ़िया? नहीं नहीं, फ़ोन में बहुत बैलेंस है, डरने कोई बात नहीं है। हाँ बिंदास। हाँ मैं मिस कॉल दे देना, मैं फ़ोन करूँगा। ठीक है ओके। हाँ थैंक यू। तुरंत पुलिस हरकत में आई और उस व्यक्ति को उठाया जिसके पास ये सिम था। नाम क्या है तुझे? सर मेरा नाम रमेश है। रमेश, खून क्यों किया तूने? खून? हाँ। कौन सा खून साहब? इन नंबर में एक मर्डर हुआ। मर्डर? जो तूने किया है। मैंने? हाँ तूने किया है। नहीं सर मैंने नहीं। सच बता। सच? नहीं सर मैंने नहीं किया। खून क्यों किया सच बता। मगर साहब मैंने किया ही नहीं। तो फिर? नहीं ऐसे नहीं बताएगा वो। हमें और भी तरीके आते हैं सच उगलवाने के। मेरी बात समझने की कोशिश करो। सच बता। सच सर बताओ। बस सर मैंने कुछ नहीं किया सर। बता सच। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन तूने किसी और को फोन किया था, वो फोन का? और वो फोन किसका था ये हमें सब पता है, उसकी डिटेल हमारे पास। तू सच बता फोन क्यों किया तूने? हाँ सर एक कार्ड मिला था मुझे, मैं अशोक से जा रहा था, मुझे वहां एक कार्ड मिला था। मैंने उस नंबर से अपने दोस्त को फोन लगाया। मतलब दूसरे अपराधी को तुमने फोन किया मर्डर करने के बाद? साहब मैंने कोई खून नहीं किया साहब। सच बोल। सच ही बोल रहा हूँ साहब। मुझे सच बुलाने के और भी तरीके आते हैं, सच बोल। खून करने का तेरा मकसद क्या था? सच बोल। साहब मैंने कोई खून नहीं किया साहब। नहीं बोल। साहब मारो मत साहब। बोल। साहब मारो मत साहब। बोल।
साहब ने जो जो पूछा सच सच बता। सब सच ही तो बोल रहा हूँ। तेरी आदत। किसको किया था तूने? साहब मैंने मेरे दोस्त दीपक को फोन किया था साहब। दीपक कौन था उसको जल्दी? दीपक को दीपक तीन नंबर पुलिस चौकी में आ जाओ जल्दी। हाँ ओला सर सुन, जब तक पूरी तहकीकात नहीं होती है तब तक तू पुलिस कस्टडी में रहेगा। जब उस व्यक्ति को उठाया गया जिसके पास ये सिम था, लेकिन उस व्यक्ति से भी कुछ भी पता नहीं चला, तो पुलिस और हरकत में आ गई और इसी बीच क्राइम ब्रांच ने एंट्री मारी। क्राइम ब्रांच के कुछ वरिष्ठ अधिकारी और सेंट्रल पुलिस चौकी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी मिलकर इस केस को सॉल्व करने में लग गए हैं। जब क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों ने उस एरिया का दौरा किया तो अचानक एक ऑफिसर की नजर सीसीटीवी पर गई। सीसीटीवी जिसे तीसरी आंख कहा जाता है, तुरंत उसके फुटेज वहां से कवर किए गए और उस फुटेज में पता चला कि एक व्यक्ति जो इनकी दुकान पर काम करता था उस दिन वहां से गुजरा था। सर को जरा स्पॉट का सीसीटीवी का फुटेज दिखाओ। ओके सर। आपके स्पॉट का सीसीटीवी जो हमने रिकॉर्ड में पाया है, शायद उसमें आपका कोई जिस पे शक हो आपको शायद इसमें देखने को मिल जाए। नहीं सर। जब यह फुटेज उनके बेटे को दिखाया गया तो तुरंत उसने पहचान लिया कि यह आदमी हमारे पास कुछ टाइम पहले काम करता था, लेकिन घरदुला होने के कारण हमने इसे निकाल दिया था। अरे साहब ये तो वही है, तीन साल पहले हमारे पास काम करता था ये लड़का। पक्का ये वही आदमी है तीन साल पहले? हाँ। और सुन करो, मुंह दिखाओ सीधा। और सुन करो। जादू ये केस कहां तक पहुंचा? सर हमारी टीम इस पे लगी हुई है, बहुत ही जल्दी इसका निर्णय आ जाएगा सर। और उस नंबर का क्या हुआ? जी मैं आपको बता देता हूं सर, ये नंबर पे जो हमने ट्रेस पे डाला हुआ था लास्ट टाइम, उस नंबर से दो नंबर पे कॉल किए गए हैं। एक नंबर है 9323541313 और दूसरा नंबर 9323541313। सर इसमें जिन लोगों से बात हुई दो नंबर पे, हमने उनको पुलिस चौकी बुलाया है अधिक जानकारी के लिए और उम्मीद करते हैं कि हमें उनसे हमें आगे की कड़ी तक हमें जाने का मौका मिल जाए। मुझे लगता है कि सॉल्व नजर आता है। जी बिल्कुल सर, हमें वहां से बड़ा सुराग निहात लगेगा। आपने जितने भी खबरें सबको अलर्ट कर दो। यस सर बिल्कुल। ओके यस सर। उस घरदुले के बारे में पुलिस ने जानना चाहा तो उन्हें पता चला कि यह घरदुला ट्रेन में घूमते रहता है, कभी कर्जत कभी कसारा कभी नासिक तो कभी मुंबई। पुलिस ने
अपने नेटवर्क के द्वारा इस गर्दूले को ढूंढने की कोशिश की। आखिरकार पुलिस को कामयाबी हाथ लग गई। यह गर्दूला एक टाकिस के बाद गर्द पीते हुए पकड़ा गया और पुलिस उसे ले आई पुलिस चौकी। पुलिस चौकी पर आने के बाद उस गर्दूले जो अपनी कहानी सुनाई वह सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। बोले खून क्यों किया तूने? खून क्यों किया तेरा? सब तेरा। सब क्यों किया? सब सब मैंने किया। मैंने किया। सब 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 बोल। सब मैंने किया। सब 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 मैंने किया। बोल मैंने किया। सब मैंने किया। तू एक इतनी बड़ी उम्र की औरत का खून अकेले कर मैंने अकेले नहीं किया। फोन क्यों किया वो बता। सब क्यों किया? सब चोरी के हिसाब से। चोरी के हिसाब से कौन आ गया? राजू कैसे आना हुआ? ऐसे गुजरा था, सोचा आपसे मिलते चलूं। आओ। आओ बेटा। और बता। बस ठीक है जी। कैसे चल रहा है सब? सब अच्छा चल रहा है। अच्छा आंटी भी चलता हूँ। अच्छा राजू ठीक है। आंटी भाई यहाँ से गुजर रहा था तो बोला आपसे मिलता चलूं। इके तो नहीं आया? नहीं। मुझे सिमेल आ रहा है। नहीं आंटी नहीं आ रहा है। फिर क्यों आया? कल भी आया, आज भी आया, क्या बात है? ऐसे है। क्यों आया? ऐसे है। क्या चाहिए? पानी पिला तू। आंटी पानी तो पिलाओ। पानी पीनी नहीं है, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ, ये ले केला और चल। अभी कुछ नहीं आंटी। इतना घूर घूर के क्या दिख रहा है? कुछ नहीं आंटी। Thank you.
साहब गलती हो गया साहब गलती गलती हो गया हाँ साहब उसकी जान गई बस गलती बात आप गलती हो गया मेरे से हाँ साहब खाली बस केस फाइल करो सब कोर्ट में पेश करना है इसे यस सर कहते हैं जमाने पर किसी पर दया करनी चाहिए किस पर नहीं करनी चाहिए यह आदमी को सूझबूझ होनी चाहिए लेकिन इंसान है दया का एक पुतला है जिस किसी व्यक्ति को भी अगर तकलीफ में देखता है तो इंसान के दिल से दया के भाव उभर आते हैं। जब पुलिस ने उनके घर वालों को शिनाख्त के लिए बुलाया तो देख कर दंग रह गए कि ये व्यक्ति जो हमारे पास काम करता था और हमारी माँ इसे हमेशा खाना खिलाया करती थी पानी पिलाया करती थी और कुछ खर्च भी दिया करती थी लेकिन उसी व्यक्ति ने ही उस औरत का मर्डर कर दिया जो उसके ऊपर हमेशा दया किया करती थी। पुलिस ने जब उन्हें बताया कि ये एक व्यक्ति ने आपकी माँ का मर्डर किया है तो उनके घर वालों का कहना है कि एक व्यक्ति कभी भी मर्डर नहीं कर सकता लेकिन पुलिस का कहना है कि उसने लालच में आकर सोई हुई औरत को मौत के घाट उतारा था। जैसे उसने स्टोरी बताई पुलिस ने उन्हें सब कुछ बता दिया लेकिन आज भी उनके घर वालों का कहना है कि एक अकेला व्यक्ति कभी भी इस काम को अंजाम नहीं दे सकता। पुलिस आगे की छानबीन कर रही है कि कहीं इसके साथ कोई और व्यक्ति शामिल तो नहीं। पुलिस ने अब ये केस क्लोज नहीं किया है लेकिन सॉल्व जरूर कर लिया है सुलझा जरूर लिया है। इस व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेज दिया है और ढूंढ रहे हैं इसके साथ में और जो व्यक्ति शामिल थे उनको। हम आप सभी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग जिनको आप अपने साथ नहीं रख सकते हैं लेकिन कम से कम उनकी खैर खबर दिन में एक दो बार ज़रूर लिया करें कहीं उनके साथ अनहोनी तो नहीं हो रही है। और उनको भी सावधान करते हैं जो अकेले रहते हैं कभी भी ऐसे व्यक्ति को अंदर न आने दें। पता नहीं कब किसकी आँखें किस पर चमक जाए पता नहीं किस कब किसके मन में क्या लालच जाग जाए। इस केस में आपने देखा कि यह व्यक्ति जो 3 साल पहले उनके पास काम करता था अचानक एक दिन उनके घर पर आता है और उनकी माँ को अकेला देखता है उनसे जानता है कि वो अकेली रहती है उसी का फ़ायदा उठाकर वो उसे मौत के घाट उतार देता है और उनके यहाँ रखे हुए सोने के जेवर उठाकर फरार हो जाता है। पुलिस हमेशा ही अपराधियों के आगे रहती है लेकिन अपराधी ये समझते कि हम पुलिस से आगे हैं कानून के हाथ हमेशा बड़े रहते हैं जो आज नहीं तो कल मुजरिम को दबोचकर सलाखों के पीछे भेज देते हैं। हमेशा ही पुलिस पर विश्वास रखें और उन्हें सारी घटना की जानकारी दें ताकि पुलिस को केस सॉल्व करने में तकलीफ न हो और आपकी मदद मिले जल्द से जल्द ये केस सॉल्व हो सके। पुलिस आपसे भी मदद चाहती है सदैव पुलिस आपकी सेवा में उपलब्ध है सदैव पुलिस जनता की रक्षा के लिए उपलब्ध रहती है। फिर मुलाकात होगी क्राइम पीसीआई के अगले एपिसोड में तब तक आप देखते रहें डेन को नाक यूएसए केबल नेट।